कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के दौरान केरल सरकार ने होम क्वारंटाइन लोगों का डेटा इकट्ठा और एनालाइज करने के लिए एक अमेरिकन कंपनी को हायर किया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेटा था लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था सिर्फ केरल राज्य में। और इस डेटा को यूएस कंपनी को देने के कारण ही ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि ऑपोजिशन यह आरोप लगा रहा है कि यहां पर लोगों का यानी कि नागरिकों का डेटा जो है प्राइवेट डेटा वो एक यूएस कंपनी के पास गया है और आगे वो कहीं पर भी उसे बेच सकती है और ये एक बहुत बड़ी ब्रीच है डेटा प्राइवेसी की। इस कंट्रोवर्सी में जो कंपनी इन्वॉल्व है उसका नाम है स्प्रिंकलर और इन्होंने स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी कर ली है, ई हटा दिया है स्प्रिंकलर में से। तो स्प्रिंकलर बेसिकली एक मॉडर्न मार्केटिंग कंपनी है। ये किस तरह से काम करती है इसको आप एग्जांपल के साथ समझो। स्प्रिंकलर जैसी कंपनीज क्या करती हैं कि ये पूरे सोशल मीडिया से डेटा इकट्ठा करके कंपनीज को बिल्कुल स्पेसिफिक इनपुट देती हैं कि आपके ब्रांड या फिर आपके प्रोडक्ट को किस तरह से सराहा जा रहा है या फिर क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। उदाहरण के लिए अगर मैकडॉनल्ड्स कोई नया बर्गर लॉन्च करता है और वो स्प्रिंकलर को हायर कर लेगा कि आपको हमें फीडबैक देना है, तो स्प्रिंकलर का ये काम है कि वो जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर जाकर उस मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के बारे में लोग क्या कह रहे हैं उसका डेटा इकट्ठा करेगी और अल्टीमेटली वो मैकडॉनल्ड्स को बताएगी कि आपके इस बर्गर के बारे में ये तारीफ हो रही है और ये इसके बारे में बुरा है। तो इस तरह के बिल्कुल स्पेसिफिक इनपुट्स कंपनीज को देती हैं। तो ये एक तरह से मॉडर्न मार्केटिंग टूल्स हैं जो स्प्रिंकलर जैसी फर्म्स देती हैं और स्प्रिंकलर इसमें काफी आगे है, 10 साल से इसमें लीडिंग फर्म है। अब इस तरह की मार्केटिंग स्प्रिंकलर को कोविड-19 पैंडेमिक में काफी काम आ रही है और इनकी वेबसाइट पर भी काफी प्रोमिनेंटली इस वक्त यही एडवर्टाइज है कि स्प्रिंकलर सरकारों को कैसे मदद कर सकती है, सिटीजन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। तो देखिए, भारत सरकार, WHO, कई बड़ी बड़ी एजेंसीज, इनफैक्ट स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट भी व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी एप्स पर चैटबॉट रिलीज कर रहे हैं जिसमें कि आप फेसबुक मैसेंजर पर उन्हें सवाल पूछें और वहां से जवाब आ जाएगा। अब इतने सारे लोग सवाल पूछते हैं तो वहां इंसान तो बैठे नहीं है, पीछे से सॉफ्टवेयर ही जवाब देता है और वो सॉफ्टवेयर जो है वो स्प्रिंकलर जैसी कंपनियां इस वक्त तैयार कर रही हैं। तो स्प्रिंकलर के फाउंडर हैं रेजी थॉमस, जो कि ओरिजिनली केरल से हैं, हालांकि अब ये यूएस में ही रहते हैं और 10 साल से स्प्रिंकलर ये चला रहे हैं। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्प्रिंकलर। 24 मार्च 2020 को केरल सरकार के आईटी डिपार्टमेंट ने स्प्रिंकलर को हायर किया था एक काम के लिए। एक स्पेसिफिक जॉब था कि जो भी लोग क्वारंटाइन में है, अब क्वारंटाइन में कौन होंगे, जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं या फिर जो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया, उनका डेटा इकट्ठा किया था ग्रास रूट वर्कर्स ने, जैसे ANM है या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने घर घर जाकर इन क्वारंटाइन लोगों से डेटा इकट्ठा किया था इनके सिम्टम्स एटसेट्रा पर। और ये सारा डेटा सरकार एनालाइज नहीं कर पा रही थी, सरकार के पास उसके लिए प्रॉपर टूल्स नहीं थे, तो सरकार ने स्प्रिंकलर को हायर किया 24 मार्च को। और स्प्रिंकलर के पास ऑलरेडी ये टूल डेवलप्ड था क्योंकि स्प्रिंकलर इसी तरह के डोमेन में काम करती है। तो स्प्रिंकलर ने ये सरकार को असिस्टेंस दी, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को काम पर लगाया और सरकार को ये जानकारी दी कि किन लोगों को जो क्वारंटाइन में है शायद हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से सरकार आगे प्लान कर सकती है। पिछले 10 दिन से जब से ये कॉन्ट्रोवर्सी उभरकर सामने आई है, तब केरल सरकार से कई सवाल पूछे गए, तो उन्होंने ये रीजंस दिए हैं कि हमने स्प्रिंकलर को क्यों सिलेक्ट किया। पहली बात तो ये कि स्प्रिंकलर ने सरकार को, केरल सरकार को ये टूल फ्री में दिया है, तो उनका ये जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इसको SaaS कहते हैं कि सॉफ्टवेयर एक सर्विस की तरह दी जा रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने केरल सरकार को दिया। और फनीली केरल सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये जो कंपनी है ये केरलाइट के द्वारा ओन्ड है, इसीलिए हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, विच आई फाइंड वेरी फनी। तीसरा, सरकार ये कह रही है कि डेटा इतना ज्यादा था, लगभग 2.25 लाख लोगों का डेटा है, उसमें भी कई तरह के डेटा इनपुट्स थे, तो इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास यानी सरकार के पास कोई भी टूल्स उपलब्ध नहीं थे। और स्प्रिंकलर का जो टूल है उसको डेवलप करने में समय नहीं चाहिए था, बिल्कुल रेडीमेड टूल था, बस उसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया और वो केरल सरकार के काम आ गया। अगर हम अपने लेवल पर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाते तो इसमें शायद कुछ हफ्ते या कुछ महीने लग सकते थे। तो ये रीजंस दिए गए हैं केरल सरकार के द्वारा। केरल सरकार की बात तो बिल्कुल ठीक है, फिर ऑपोजिशन को इसमें आपत्ति क्यों है? तो सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इस पूरे कवायद के लिए कोई भी टेंडर नहीं निकाला गया। सरकार कोई भी काम करती है तो उसके लिए ओपन टेंडर देना पड़ता है कि हमें ये काम करवाना है, इसके लिए प्लीज आप अपनी अपनी बिड्स दीजिए या फिर आप अपना जो अमाउंट है वो कोट कीजिए। इस तरह का कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। सरकार ने डायरेक्टली स्प्रिंकलर को 24 मार्च को बोला कि आपसे ये काम करवाना है और आप ये काम शुरू कर दो। और आईटी डिपार्टमेंट ने अपने ही स्तर पर ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उन्होंने लॉ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल्स नहीं लिए, जबकि स्टेट वाइड इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए कई विभागों से, मंत्रालयों से परमिशंस लेनी पड़ती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा प्राइवेसी। यहां पर केरल के नागरिकों का डेटा, क्रूशियल हेल्थ डेटा है, लगभग 2 लाख लोगों का डेटा, ये अब स्प्रिंकलर के पास है और स्प्रिंकलर ऑब्वियसली इसे आगे बेचेगी, कभी ना कभी तो बेचेगी, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जा सकता है और ये एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है।
और आखिरी आरोप यह है कि सरकार के जो खुद के संस्थान है जैसे कि केरला स्टेट आईटी मिशन या फिर सीडीआईटी, वो भी ये काम कर सकते थे, उन्हें आप कुछ दिनों का समय तो देते। जैसे ही ये कॉन्ट्रोवर्सी उभर कर सामने आई, सरकार ने अपने डेटा कलेक्ट करने के लिए जो वेबसाइट बनाई थी उसका देखिए डोमेन नेम ही चेंज कर दिया। 24 मार्च से जब ये वेबसाइट काम कर रही थी, यहां पर डेटा इकट्ठा हो रहा था, तो इसका नाम था citizencenter.sprinkler.com, और 12 अप्रैल को जब ये कंट्रोवर्सी बाहर आई है उसके बाद से उन्होंने इसका नाम चेंज करके citizencenter.kerala.gov.in कर दिया है, यानी इन्होंने डोमेन नेम चेंज कर दिया। एक और रेड फ्लैग ये था कि जो केरला सरकार के आईटी सेक्रेटरी हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर शिव शंकर, वो स्प्रिंकलर कंपनी के द्वारा बनाए गए एक प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट में शामिल हुए थे। वो उस एडवर्टाइजमेंट में लोगों को कह रहे थे कि जो क्वारंटाइन है वो अपना डेटा आप यहां पे जमा करो, तो ये एक और गलत बात है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं आ सकते हैं। हालांकि ये एडवर्टाइजमेंट अब हटा दिया गया है। फिर यहाँ एक टाइमलाइन को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। स्प्रिंकलर को 24 मार्च को कह दिया गया था कि आपको काम शुरू करना है, 25 मार्च को कंपनी ने डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन किए गए, जो परचेस ऑर्डर साइन किया जाता है, वो 2 अप्रैल को किया गया था। तो ये इतना बीच में गैप क्यों है? और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल और 25 मार्च के बीच में जो डेटा इकट्ठा किया गया था वो एक तरह से बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, बिना किसी सरकारी आदेश के स्प्रिंकलर इकट्ठा कर रही थी, और वो सारा डेटा स्प्रिंकलर के सर्वर्स पर इकट्ठा हो रहा था। इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी है, उसे भी आप समझिए। केरल में इस वक्त सरकार है लेफ्ट पार्टियों की, एलडीएफ कोएलिशन, एलडीएफ गठबंधन है। ऑपोजिशन है इस वक्त यूडीएफ, यूडीएफ में मेन पार्टी है कांग्रेस, और एलडीएफ में मेन पार्टी है सीपीएम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, और आईटी डिपार्टमेंट डायरेक्टली इनके अधीन आता है। तो एक तो देखो, यूडीएफ के नेताओं को ये ब्रह्मास्त्र मिल गया है कि आप सीधा चीफ मिनिस्टर को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट उनके अंदर में है, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो इसका मतलब सीएम इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। और एक और मुद्दा यह है कि इस वक्त देखो पॉलिटिकल इश्यूज की कमी है, सरकार और एक तरह से सारा जो फोकस है वो कोविड-19 पर है, तो कोई भी दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज इस वक्त हाथ में है नहीं। और केरल मॉडल के कारण केरल की सरकार की काफी तारीफ हो रही है, तो अब उनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखिए, केरल में चुनाव भी केवल 1 साल दूर है, अगले साल वहां पर इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आज से 2-3 साल पहले जब आधार के डेटा प्राइवेसी को लेकर काफी चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा था, उस समय सीपीएम और एलडीएफ और पिनराई विजयन केंद्र सरकार पर बहुत हावी हो जाते थे, केंद्र सरकार पर बहुत आरोप लगाते थे कि आप आधार में जो डेटा है उसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, यहां पर आधार का डेटा जो है वो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। अब यही इसी तरह के सेम आरोप इन पर लग रहे हैं, तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे या फिर कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। तो कांग्रेस और यूडीएफ को एक बहुत ही अच्छा मुद्दा मिल गया है यहां पर इन पर हावी होने के लिए। इनफैक्ट कोई पुरानी पोस्ट है पिनराई विजयन की, जो उन्होंने उस समय आधार के डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड करी थी, वही लोग फिर से वायरल कर रहे हैं, एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स इस पूरे मुद्दे को लेकर चल रही है। अब रिसेंटली केरल में जो आईटी सेक्रेटरी हैं शिवशंकर, जो उस एडवर्टाइजमेंट में आए थे, इन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि इसका चीफ मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा जो स्प्रिंकलर को हायर करने का डिसीजन है ये मेरा था, इट वॉज माई कॉल, एंड इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो हम देखेंगे, बट उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा इन्होंने कहा है। तो क्या वाकई केरल सरकार ने अपने नागरिकों का पर्सनल डेटा किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी को अमेरिका में दे दिया है? तो देखिए, पहली बात तो ये समझो कि हर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, समय समय पर प्राइवेट कंपनीज को हायर करती है किसी ना किसी सर्विस के लिए, कोई सॉफ्टवेयर के लिए, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन केरल में गड़बड़ ये हुई है कि बिल्कुल यहां पर टेंडर नहीं दिया गया, जो कि एक ड्यू प्रोसेस है, भारत सरकार का कोई भी काम बिना टेंडर के नहीं होता है, आप डायरेक्टली किसी कंपनी को या फर्म को हायर नहीं कर सकते। और एक और बात यह कि 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में कोई ऑफिशियल लीगल अथॉरिटी नहीं थी जिसके बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, तो उस समय जो डेटा इकट्ठा किया गया था वो किसके अधीन आएगा, क्या वो डेटा गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षित है, क्या वो उस 2 अप्रैल के ऑर्डर के तहत सुरक्षित होगा, ये हम कह नहीं सकते। हाँ, 2 अप्रैल को सरकार ने जो परचेस ऑर्डर साइन किया है उसमें तो साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो केरल सरकार की प्रॉपर्टी है, ना कि उस स्प्रिंकलर कंपनी की, लेकिन जो उसके पहले डेटा कलेक्ट किया गया था उसका क्या? और देखिए, अल्टीमेटली कोई भी प्राइवेट फर्म है वो यूएस में बेस्ड है, तो वो यूएस के कानून के अनुसार चलेगी, तो वहां पर उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो अलग हैं, भारत सरकार के नियम कानूनों के अनुसार आप उस पर कोई प्रोसिक्यूशन आगे भविष्य में नहीं कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो केरल सरकार ने ओवरलुक कर दी।